हेलो ऑल ऑफ यू, मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों को क्लास टेंथ की जो इंग्लिश से रोज जो सेक्शन था वो मैं पढ़ा रहा था। तो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था, मैंने पार्ट वन पहले चैप्टर का आप लोगों को बता दिया था। मैंने बताया था पार्ट टू आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएगा और आज मैं आप लोगों को इसके आगे बताऊँगा। तो मैंने आप लोगों को यहाँ तक बता दिया था, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने सवालों को पूछिए। जो युधिष्ठिर थे उन्होंने यक्ष से कहा, या फिर जो बॉडीलेस वॉइस थी उनसे उससे कहा कि कृपया अपने सवालों को पूछिए। आइए हम देखते हैं कि जो बॉडीलेस वॉइस थी उसने कैसे क्वेश्चन पूछे युधिष्ठिर से। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। जो आवाज़ थी उसने रखे क्वेश्चंस, प्रश्नों को रैपिडली, तेज़ी से, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। मतलब कि जो आवाज़ थी उसने एक के बाद एक जल्दी जल्दी क्वेश्चन अपने रखे। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। क्या है रेस्क्यू मतलब बचाना मैन, आदमी को, इन डेंजर, खतरे में। मतलब कि खतरे में आदमी को क्या बचाता है, खतरे में आदमी को क्या बचाता है। तो युधिष्ठिर ने अपना जवाब दिया, क्या जवाब दिया, करेज, साहस। युधिष्ठिर ने कहा साहस है। By the study of which science does man become wise। किस, by the study मतलब अध्ययन करने से, किसके द्वारा अध्ययन करने से, ऑफ विच किसके द्वारा अध्ययन करने से, या फिर किस साइंस शास्त्र का, या किस विज्ञान का अध्ययन करने से डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान बन जाता है। यक्ष जी ने कहा कि किस विज्ञान का अध्ययन करने से व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। तो आगे उन्होंने बताया, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। कोई भी ऐसा, मतलब कि नॉट बाई स्टडिंग, अध्ययन करने से, नहीं अध्ययन करने से, एनी शास्त्र, कोई भी शास्त्र का अध्ययन करने से, डज मैन बिकम वाइज, किसी भी शास्त्र का अध्ययन नहीं करने से, मतलब किसी भी शास्त्र का अध्ययन करने से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है, नहीं बनता है। इट इज बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। यह संबंधित है विद द ग्रेट इन विजडम, महान बुद्धिमता से, यह महान बुद्धिमता से संबंधित है। दैट कि ही गेट्स विजडम, कि वह अच्छी बुद्धिमता प्राप्त करता है। यह केवल किससे संबंधित है, महान बुद्धिमता से। यदि वह, उसकी बुद्धिमता महान होगी तो वह क्या होगा, अच्छी बुद्धिमता प्राप्त करेगा। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट मतलब क्या, इज स्विफ्टर, क्या मतलब इतना तेज है, देन द विंड, देन मतलब तुलना कर रहा है, द विंड किससे, हवा से, हवा की तुलना में सबसे अधिक क्या है, सबसे तेज क्या है। तो बताया उन्होंने, माइंड, मस्तिष्क, मतलब कि हमारा मन बहुत ही तेज चलता है। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, मतलब कि व्हाट इज मोर, क्या है मोर फेडेड, अधिक मुरझाया हुआ, फेडेड मतलब मुरझाया हुआ, देन तुलना में, ए ड्राइड स्ट्रा, सूखे तिनके की तुलना में अधिक क्या मतलब मुरझाया हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया, ए सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुख से भरा हृदय, एक दुख से भरा या फिर चोट खाया हुआ हृदय, स्ट्रिकन मतलब चोट खाना, हार्ट हृदय, यहाँ पर बताया गया है, एक मतलब दुख से भरा या चोट खाया हुआ हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रैवलर, मतलब कि व्हाट, क्या है बी फ्रेंड्स, सच्चा साथी या फिर
साथी कौन है ए ट्रैवलर यात्रा में, यात्रा का सच्चा साथी कौन है? तो उन्होंने बताया लर्निंग। लर्निंग मतलब होता है ज्ञान या फिर शिक्षा, क्या मैंने सीखा है, वही हमारा यात्रा में सबसे बड़ा साथी होता है। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, हु इज द फ्रेंड कौन है, द फ्रेंड मित्र ऑफ वन एक कोई, हु स्टेज एट होम जो स्टे मतलब रुका रहता है, एट होम मतलब क्या लगातार रुका रहता है, एट होम घर पर, कौन सा ऐसा फ्रेंड है या फिर कौन ऐसा मित्र है जो लगातार घर पर रुका रहता है? तो उन्होंने बताया द वाइफ पत्नी, मतलब कि पत्नी जब देखो घर पर ही रहती है, ज़्यादातर बाहर नहीं जाती है, तो उससे अच्छा साथी कोई नहीं है। हु एकम्पनीज ए मैन इन डेथ, कौन सी चीज़ एकम्पनीज भेजी जाती है ए मैन इन डेथ, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मतलब मृत व्यक्ति की मृत्यु के बाद क्या भेजा जाता है उसका? तो उन्होंने बताया धर्म, धर्म उन्होंने बताया दैट एलोन एकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, जो केवल अकेला है एकम्पनीज भेजा जाता है, जो केवल अकेला भेजा जाता है द सोल आत्मा के साथ इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, एक सॉलिटरी जर्नी मतलब एकांत यात्रा पर आफ्टर डेथ मृत्यु के बाद, व्यक्ति की मृत्यु के बाद केवल भेजा जाता है क्या आत्मा के साथ, केवल उसका धर्म भेजा जाता है, जो उसका धर्म था वही भेजा जाता है। आगे देखिए क्या पूछा है, विच इज द बिगेस्ट वेजल, विच इज द बिगेस्ट वेजल, विच मतलब कौन सा, द बिगेस्ट सबसे बड़ा, वेजल पात्र मतलब बर्तन, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? तो उन्होंने बताया द अर्थ पृथ्वी, विच कंटेन्स ऑल विद इन इट्स सेल्फ, जो धारण किए है, कंटेन्स मतलब धारण करना, ऑल विद इन इट्स सेल्फ स्वयं में, सब कुछ स्वयं में धारण किए हुए है, पृथ्वी जो है वो सब कुछ स्वयं में धारण किए हुए है। इज द ग्रेटेस्ट वेजल, यह सबसे बड़ा पात्र है, सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता क्या है, हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता क्या है, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, जो प्रसन्नता है हमारी इज द रिजल्ट वो परिणाम है ऑफ गुड कंडक्ट हमारे अच्छे विचारों का, सब प्रसन्नता हमारे अच्छे विचारों का परिणाम है। आगे देखते हैं क्या है, व्हाट इज दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, व्हाट इज दैट ऐसा क्या है, बाई गिविंग त्याग, गिविंग अप त्यागने पर, जिसके द्वारा त्यागने पर विच मैन जो आदमी होता है, जो व्यक्ति होता है बिकम्स लव्ड बाई ऑल सभी का प्यारा हो जाता है, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो व्यक्ति त्याग दे तो वो सबका प्यारा हो जाएगा, सबका स्नेह पूर्ण हो जाएगा, ऐसी कौन सी चीज है? तो उन्होंने बताया प्राइड, प्राइड मतलब होता है घमंड, मतलब व्यक्ति फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि व्यक्ति अपना घमंड त्याग दे, अपना घमंड छोड़ दे, बीइंग प्राउड मतलब वो घमंड करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, वह सभी के द्वारा प्यार किए जाने लगेगा या सभी का वह प्यारा हो जाएगा। व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, व्हाट इज लॉस, व्हाट इज लॉस मतलब क्या है, जो खोने पर, विच क्या, जो खोने पर, लॉस मतलब खोने पर, यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो मतलब कि होती है, हमें प्राप्त होती है, यील्ड्स मतलब प्राप्त होना, जॉय खुशी एंड नॉट सॉरो और दुख नहीं, दुख नहीं बल्कि हमें क्या होता है, खुशी होती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके खोने पर हमें दुख नहीं बल्कि खुशी होती है, मतलब कि इसमें यह कहा गया है कि जैसे किसी की कोई वस्तु खो जाती है तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी मतलब वस्तु है जिसके खोने पर व्यक्ति दुखी नहीं मतलब प्रसन्न हो जाता है? तो उन्होंने बताया एंगर, क्रोध, उन्होंने बताया क्रोध, इफ़ वी गिविंग अप बींग एंग्री, यदि हम
क्रोध करना छोड़ देंगे या फिर त्याग देंगे, यदि हम क्रोध करना त्याग देंगे we will no longer be subjected to sorrow, हम लोग no longer मतलब बहुत ज्यादा बहुत लंबे ही subjected को be subjected मतलब उसका कोर्स मतलब उसके to sorrow दुख का हम लोग लंबे दुख का कारण नहीं बनेंगे, मतलब कि यदि हम क्रोध को त्याग दे तो हम लंबे दुख का कारण नहीं बनेंगे। आगे देखते हैं उन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज दैट ऐसा क्या है बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच, जिसके त्यागने पर विच मैन जो व्यक्ति होता है बिकम्स हो जाता है रिच धनी, ऐसा ऐसी कौन सी चीज है जिसके त्यागने पर व्यक्ति धनी हो जाता है, तो युधिष्ठिर जी ने बताया डिजायर इच्छा, उन्होंने बताया इच्छा, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी यदि व्यक्ति छोड़ दे या त्याग दे, बीइंग ग्रेडी लालची होना, यदि व्यक्ति लालची होना त्याग दे ही विल बिकम वेल्दी वह हो जाएगा क्या, वेल्दी मतलब धनी, वह धनी हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, क्या मेक्स मतलब बनाता है वन ए रियल एक वास्तविक ब्राह्मण, ब्राह्मण ऐसी ऐसा क्या है जो एक एक वास्तविक ब्राह्मण बनाता है, इज इट बर्थ क्या उसका जन्म है, गुड कंडक्ट या विचार हैं अच्छे विचार हैं, आर लर्निंग या फिर जो शिक्षा उसने प्राप्त की है, आंसर डिसिसिवली, आंसर डिसिसिवली मतलब स्पष्ट जवाब दीजिए, ये चीज उन्होंने पूछा। तो देखती हैं ये देखते हैं युधिष्ठिर जी ने क्या कहा, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, जन्म और शिक्षा डू नॉट मेक नहीं बनाती हैं वन ए ब्राह्मण एक ब्राह्मण, जन्म और शिक्षा एक ब्राह्मण नहीं बनाती है हमें, गुड कंडक्ट एलोन डज केवल हमारे अच्छे विचार ही हमें बनाते हैं क्या ब्राह्मण, एक रियल ब्राह्मण एक वास्तविक ब्राह्मण बनाते हैं, हमारे जो अच्छे विचार हैं जो हमारे अच्छे कार्य हैं उसी से हम लोग ज्ञानी होते हैं पंडित कहे जाते हैं ब्राह्मण कहे जाते हैं। हाउ एवर लर्न्ड ए पर्सन मे बी ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, हाउएवर कितना भी व्यक्ति ए पर्सन व्यक्ति लर्न मतलब सीखना मे बी कितना भी व्यक्ति क्यों ना सीख ले मतलब कितना भी व्यक्ति सीख ले फिर भी ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण वह नहीं बन सकता है ए ब्राह्मण एक ब्राह्मण वह नहीं बन सकता है विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स बिना गिविंग अप त्यागे बैड हैबिट्स बुरी आदतों के मतलब कि जब तक हम अपनी बुरी आदतों को नहीं त्यागेंगे तब तक हम एक वास्तविक ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं। इवन थ्रू ही मे बी लर्न्ड इन द फोर वेदास ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास, यद्यपि थ्रू हे मे बी लर्न्ड कितना भी व्यक्ति सीख ले यद्यपि व्यक्ति सीख ले या फिर कितना भी वह व्यक्ति सीख ले इन द फोर वेदास मतलब कि चारों वेदों को ही क्यों ना व्यक्ति सीख ले ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट जो व्यक्ति के बुरे विचार हैं बैड कंडक्ट बुरे विचार फॉल्स गिराती हैं टू ए लोअर क्लास या फिर उसे ले जाती हैं निम्नतम श्रेणी में उसे निम्नतम श्रेणी में उसके गंदे विचार बुरे विचार उसे गिराती हैं। आगे देखते हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, व्हाट इज क्या है ग्रेटेस्ट महान वंडर आश्चर्य इन द वर्ल्ड संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य इस संसार में क्या है, यक्ष ने पूछा। एवरी डे तो युधिष्ठिर ने बताया एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यामास किंगडम मतलब एवरी डे प्रत्येक दिन मैन जो व्यक्ति हैं सी देखता है क्रिएचर्स प्राणी डिपार्ट भेजे जाते हैं टू यामाज यम के किंगडम दरबार में प्रत्येक दिन
प्राणी देखता है या फिर व्यक्ति देखता है कि जो प्राणी हैं वो भेजे जाते हैं कहाँ, यम के दरबार में। प्रत्येक दिन जो व्यक्ति है देखता है कि प्राणियों को भेजा जाता है यम के दरबार में। एंड येट दोज हु रिमेन वॉन्ट टू लिव फॉर एवर, और यद्यपि दोज हु रिमेन, यद्यपि उसे पता होता है, यद्यपि उसे मतलब उसे जानकारी होती है, वॉन्ट टू या फिर चाहता है, वॉन्ट टू लिव यहाँ पर यद्यपि फिर भी वह चाहता है, वॉन्ट टू लिव जीवित रहना चाहता है, फॉर एवर हमेशा के लिए, मतलब कि व्यक्ति देखता है कि प्रतिदिन कोई ना व्यक्ति कोई कोई व्यक्ति मरता है और यम के दरबार में जाता है, फिर भी जो व्यक्ति है वो इतना स्वार्थी है कि वह हमेशा के लिए जीवित रहना चाहता है, वह सोचता है हमारी मृत्यु ना हो। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही वास्तविक सबसे बड़ा आश्चर्य है, यही सबसे बड़ा वास्तविक आश्चर्य है। दस इस प्रकार द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस, यक्ष ने रखे अपने बहुत से सवालों को, एंड युधिष्ठिरा आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उनके सभी प्रश्नों के जवाब दे डाले। यक्ष ने अपने क्वेश्चन इस प्रकार से रखे और उनके युधिष्ठिर ने जवाब दे दिए। इन द एंड यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, ओ राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिसीव्ड, वन ऑफ योर ब्रदर्स, तुम्हारे भाइयों में से एक, डेड ब्रदर्स मरे हुए तुम्हारे भाइयों में से सिर्फ एक को कह सकता हूँ, नाउ अब मैं वापस ला सकता हूँ, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से केवल मैं एक भाई को वापस ला सकता हूँ उसके जीवन में। हु डू यू वॉन्ट टू बैक टू लाइफ, तुम किसे चाहते हो टू बैक टू कम बैक टू लाइफ, किसे चाहते हो उसके जीवन में वापस लाने को, आप बताइए, आप जिसको चाहते हैं मैं उसी को वापस ले आऊंगा उसके जीवन में। यहाँ पर उसने यक्ष ने बताया, इट टुक युधिष्ठिरा ए मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट ही, मतलब कि युधिष्ठिर को एक क्षण लगा सोचने में, या फिर युधिष्ठिर ने एक क्षण लिया सोचने में, एंड देन और तब ही विश्ड उन्होंने इच्छा की, दैट के उन्होंने इच्छा की, युधिष्ठिर ने एक क्षण सोचा और फिर उन्होंने इच्छा की। द क्लाउड कॉम्प्लेक्स एंड लोटस आइड ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुला लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री माइट अराइज, क्लाउड कॉम्प्लेक्स यांड मतलब मेघ वर्ण वाला, उन्होंने इच्छा की मेघ वर्ण वाला, लोटस आइड कमल जैसी आंखों वाला, कमल जैसी आंखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाला, चौड़े छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड और लंबी भुजाओं वाला, नकुला नकुल लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री माइट अराइज, जो पड़ा हुआ है एज कैस मतलब लाइक कैस ऐसे पड़ा हुआ है की तरह है, एवोनी ट्री किसकी तरह पड़ा हुआ है, जैसे एवोनी ट्री गिर जाता है, एवोनी ट्री एक होता है, जैसे एवोनी ट्री पड़ा हुआ होता है वैसे ही वह पड़ा हुआ है। माइट राइस उसको जीवित कर लीजिए, मतलब उसको उसके जीवन में ले आइए। तो यक्ष ने क्या कहा, द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इस पर बहुत ही प्रसन्न हुए, एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा और युधिष्ठिर से कहा, वाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीम, मतलब कि क्यों आपने चुना, आपने क्यों चुना नकुल को, नकुला नकुल को इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम की तुलना में आपने नकुल को क्यों चुना। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसमें ताकत है, स्ट्रेंथ ताकत है ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, 16,000 हाथियों की ताकत है, आपने भीम के बजाय आपने नकुल को क्यों चुना जिसमें 16,000 हाथियों की ताकत है। आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, मैं मतलब कि
मैंने आई हैव हेयर्ड, मैंने सुना है दैट कि भीम इज मोस्ट डियर टू यू, मतलब कि आपका सबसे प्रिय है, भीम सबसे आपका प्रिय है मैंने सुना है। एंड वाई नॉट अर्जुना, और अर्जुन को क्यों नहीं? हु स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिसकी भुजाओं में ताकत, जिसकी भुजाओं की ताकत इन इज योर प्रोटेक्शन, आपकी रक्षा करता है, आपकी सुरक्षा करता है। टेल मी वाई यू चूज नकुला रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, मुझे बताइए यू चूज आपने क्यों चुना नकुल को रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों की तुलना में आपने नकुल को क्यों चुना मुझे बताइए। युधिष्ठिरा रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष धर्म धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीमार अर्जुना, केवल धर्म ही उसका रक्षक होता है, ऑफ मैन व्यक्ति का केवल धर्म ही रक्षक होता है, एंड नॉट भीम अर्जुना, और ना मतलब कि भीम और अर्जुन नहीं होते हैं, व्यक्ति का केवल उसका धर्म ही रक्षक होता है। इफ धर्म यदि धर्म इज गिवेन अप, यदि धर्म त्याग दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, मनुष्य बर्बाद हो जाएगा, रूइंड मतलब बर्बाद होना, यदि धर्म छोड़ दिया जाए तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री वर द टू वाइफ्स, दो पत्नियां थीं ऑफ माई फादर मेरे पिता की, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम एलिव, मैं जीवित हूँ, ए सन ऑफ कुंती, कुंती का पुत्र, मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ। एंड सी सो सी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रेव्ड, इसीलिए जो कुंती है वह पूरी तरह से वंचित नहीं होंगी या फिर उन्हें चिंता नहीं होगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस मे बी इवन आई आस्क दैट माद्रीज सन नकुला मे रिसीव, इन ऑर्डर मतलब क्रम है, क्रम दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस, जो तराजू क्रम क्रम तराजू स्केल्स मतलब तराजू ऑफ जस्टिस न्याय का, जो मे बी इवन जो न्याय का तराजू है इस तरह वो भी बना रहेगा, न्याय का तराजू भी इस तरह बना रहेगा। आई आस्क द दैट माद्रीज सन, मैंने कहा है द माद्रीज सन माद्री के पुत्र को नकुला मे रिसीव, नकुल को जो माद्री का पुत्र है नकुल उसको मैं वापस लाऊंगा, मैंने कहा है माद्री सन से माद्री को। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड, जो यक्ष थे वे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए विद युधिष्ठिरा युधिष्ठिर से, इम्पार्शियलिटी एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, इम्पार्शियलिटी मतलब पारदर्शिता एंड ग्रांटेड दैट, और उन्होंने मतलब कि आदेश ये वादा कर दिया या निश्चित कर दिया, ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, कि उनके जो सारे भाई हैं वो अपने जीवन में वापस आ जाएंगे, उन्होंने निश्चित कर दिया इसी पारदर्शिता के साथ, और या फिर पारदर्शिता होता है।